गाइस, इट्स मी आशु, वेलकम बैक टू मी चैनल। आज के वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन स्किन केयर है। तो मोस्टली लोग ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, कि काश कोई प्रोडक्ट हमें अच्छा मिल जाता जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छा होता, काश हमारे स्किन के ब्लेमिशेस को, स्कार्स को, हर चीज़ को हटा करके हमारे स्किन को क्लियर बना देता। ये स्किन वाइटनिंग ही सब कुछ नहीं होता है, आपका स्किन सही होना चाहिए, आपका स्किन बेटर होना चाहिए, आपकी स्किन की टेक्स्चर अच्छी होनी चाहिए, आपका जो स्किन है उसमें बिल्कुल ही पैचिनेस नहीं होना चाहिए, अनइवन टोन नहीं होना चाहिए, आपका स्किन क्लियर रहे, आपका स्किन हेल्दी रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के पीछे हमें हमेशा नहीं भागना चाहिए, हमारा स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो मैं आज आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ ये है रेजिश्योर ग्लाइकोलिक एसिड कॉम्बो है ये पूरा का पूरा। तो ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड के ऐसे क्या फ़ायदे हैं और ऐसे क्या नुकसान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो आपको पहले पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, चाहे वो हर्बल हो, ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हो, तो आपको उसका पैच टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट सबको सूट कर ही जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई कैसा भी प्रोडक्ट हो वो किसी को सूट ना करे। तो इसीलिए एक पैच टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड में क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड में ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना जो कि आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स है उन सबको हटा करके आपका स्किन जवां और फ्रेश फील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ साथ अगर आपके स्किन में स्कार्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, ब्लेमिशेस हैं, ओपन पोर्स हैं, आपके पोर्स बहुत ज़्यादा दबे दबे से हो गए हैं, आपके पोर्स में बहुत सारे डस्ट इम्प्योरिटीज़ घुस चुके हैं जिसके वजह से पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम हो जाती है, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इन सभी को दूर करके आपके स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाएगा और आपके स्किन को जवा जवा और फ्रेश और हेल्दी बनाएगा। तो आज मैं जो प्रोडक्ट आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये तीन प्रोडक्ट है। तो इस तीनों प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो ये रेजिश्योर का है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो मिस्ट है, हमारा फेस मिस्ट है जो कि हमारे क्लींजिंग के बाद हमें इन्हें अप्लाई करना है। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है हमारा सीरम है, हमारे फेस के लिए सीरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो थर्ड वन है वो मॉइस्चराइज़र है। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट हमारे स्किन केयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन तीनों प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपका स्किन पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी कूट कूट करके भरे हुए हैं। तो अगर आपके स्किन पर एजिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपका उससे फाइट करने में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये आपके स्किन केयर में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपका स्किन केयर इतना ज़्यादा अच्छे से करने वाला है ना कि मानो क्या ही बताओ। गाइस, तो जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है ना वो ये है रेजिश्योर स्किन साइंस का ग्लाइकोलिक एसिड फेशियल मिस्ट है ये। तो फेशियल मिस्ट क्या करता है, ये हमारी स्किन को इम्प्रूव करेगा, ब्राइट करेगा, और आपकी स्किन पर ना विजिबल क्लियरिटी नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे। इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड है, एलोवेरा है और रोज़ वाटर है। तो ये हमारे स्किन के लिए बिल्कुल ही उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे स्किन को मेंटेन करने के लिए, हमारे स्किन को अच्छा बना करके रखने के लिए कितना अच्छा होता है। ये वेगन है, इसमें क्रुएल्टी फ्री है और पैराबिन फ्री है, मतलब ये पैराबिन फ्री भी है यार, तो उतना ज़्यादा हार्ड केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये क्रुएल्टी फ्री है, इसमें वेगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, ये नॉन टॉक्सिक है और सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। और अगर आप लोग इसकी बात करो ना तो ये बहुत ही अच्छा कूलिंग सेंसेशन आपके स्किन पर देता है, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना करके रखता है। हमारे लाइफ में एक मिस्ट, एक फेशियल मिस्ट हमारे लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें आपने क्या करना है ना कि अपने स्किन को अच्छी तरीके से पहले फेस वॉश से वॉश कर लेना है, उसके बाद फिर पैड ड्राई करने के बाद ना इसमें से आपको सुस 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 लाइक पम 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 और इसको अच्छे से अपने फेस पर स्प्रेड कर लेना है। आप चाहो तो कॉटन बड्स की हेल्प से भी इसको स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन ठीक है अगर आपके पास कॉटन बड नहीं है तो आपको कॉटन पैड नहीं है तो आप इसी में से अपने पूरे पूरे फेस पर स्प्रे करने के बाद ना अपने हाथों से डैब 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 कर लो। हाथों से डैब डैब करने के बाद अपने स्किन को 5 मिनट तक रिलैक्स छोड़ो ताकि वो स्किन में अब्जर्व हो जाए पूरा का पूरा मिस्ट, और आपके स्किन को अंदर से क्लीन करने में बहुत अच्छा खासा हेल्प कर सके।
ये मिस्ट क्या करेगा, जितने भी आपके स्किन में डेड सेल्स हैं, इम्प्यूरिटीज़ हैं, आपके स्किन में टैनिंग आ चुके हैं, उन सभी को हटा करके आपके स्किन को क्लियर बना देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में है हमारा सीरम। इस स्टेप में मैं यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ, इसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड दे रखा है। ये भी रेजिश्योर स्किन साइंस का है, फेशियल सीरम है। इसके अंदर है एडवांस्ड ब्राइटनिंग फॉर्मूला है, जो कि हमारे स्किन को ब्राइटन अप करेगा। सीरम हमारे डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार, तो मस्ट है कि आपके ज़िंदगी में एक सीरम तो होना ही चाहिए, क्योंकि सीरम हमारे स्किन टेक्सचर को बहुत अच्छे से बना करके रखता है। उसके साथ साथ ही आपके स्किन को हाइड्रेटिंग करता है। आपके स्किन में जितने भी डेड सेल्स हैं, आपके स्किन में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, आपका स्किन अगर बीमार हो गया है, आपका स्किन बेजान हो गया है, उन सभी को ना हटा करके आपके स्किन को फ्रेश बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि सीरम होता है। तो ये फेशियल सीरम है, इसमें एडवांस स्किन ब्राइटनिंग फॉर्मूला है, जो कि आपके स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा, लाइटन अप भी करेगा, और आपके स्किन को टाइटन अप भी करेगा। इसके साथ साथ इसमें ग्लाइकोलिक एसिड 5% है, विटामिन सी है, और इसमें हेलोक्रोनिक एसिड है, जो कि हमारे स्किन को काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रीट करेगा। तो इसमें से आपको कुछ पंप अपने फेस पर ले लेने हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड अपने पूरे पूरे फेस पर मिक्स करके ना डैब डैब कर देना है, ताकि आपका स्किन इसको एब्जॉर्ब कर सके। ये भी वेगन है, इसमें क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जब आप अपने स्किन को टोन कर लोगे, क्लीन कर लोगे ना, उसके बाद बस आपको इसका हल्का सा अमाउंट अपने पूरे पूरे फेस पर लेकर के ना अपने फेस को अच्छे से अपने फेस पर इस सीरम को अच्छे से स्प्रेड कर देना है, अच्छे से लगा लेना है। और इसमें बिल्कुल ही हार्ड केमिकल नहीं है, पैराबिन फ्री है, ये क्रुएल्टी फ्री है, हमारे स्किन के लिए अच्छा है, सेफ़ है। तो इसके बाद फिर ना हमने थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप करने के बाद आपका स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और आप इन तीनों स्किन केयर को करने के बाद भी मेकअप कर सकते हो, और स्पेशली अगर आप नाइट टाइम में करते हो ना, सोने से पहले अपने फेस को क्लीन करके आप इन तीनों स्टेप को करते हो ना, तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे स्किन का जो टेक्स्चर है वो सांवला टेक्स्चर है, मैं बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डल नहीं हूँ, बट स्किन केयर करने के साथ साथ जैसे जैसे मैं इसका स्किन केयर अपने स्किन पर ले रही हूँ ना, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मेरे नेक में और मेरे फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेरा नेक बहुत ज़्यादा ब्राइट है मेरे फेस के अकॉर्डिंग, बट अब जब से मैं अपने फेस का केयर कर रही हूँ ना, तो मेरा फेस भी मेरे नेक के बराबर में आ रहा है, लाइक मैचिंग हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लग रहा है। थर्ड स्टेप जो है वो हमारा मॉइस्चराइजर है। अभी विंटर सीजन चल रहे हैं, तो विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉइस्चराइजर। तो अब हम लोग चलिए बात करते हैं मॉइस्चराइजर के बारे में। थर्ड वन है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें शिया बटर भी मिक्स है, और इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके साथ साथ शिया बटर भी है। तो शिया बटर हमारे स्किन को ना बटरी सॉफ्ट बना देता है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ इसकी पैकेजिंग, जस्ट लुक एट दिस पैकेजिंग, बहुत ज़्यादा क्लासी है, और ये हमारे स्किन को इतने अच्छे से हाइड्रेटिंग करता है ना, बिना चिप चिप किए हुए, लाइक कोई चिपचिपापन नहीं। अभी मैंने इसका स्किन केयर करने के बाद तो फिर इस मेकअप को किया हुआ है, और मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हुआ है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा बेस बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे प्राइमर का ज़रूरत पड़ा, ना ही मुझे किसी भी इस तरीके के सीरम का ज़रूरत पड़ा, जो कि मेकअप से पहले अप्लाई करना होता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने नॉर्मली बीबी क्रीम अप्लाई कर लिया, और मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा सही लगने लगा, बहुत ज़्यादा सटल लगने लगा। तो इसने मेरे स्किन पर मानो जादू कर दिया, इतना अच्छा लगा मुझे। और ये भी क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि पैराबिन फ्री है। तो रात में क्या करना है ना, वो दोनों स्टेप करने के बाद आपको थर्ड स्टेप में इसको करना है, अपने फेस पर ले लेना है, अच्छे से मसाज करते हुए ना। एक और चीज़, आप ना इससे अपने स्किन का मसाज कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट लेकर के ना अपने पूरे फेस का तब तक मसाज करते जाओ जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाए आपके पूरे पूरे स्किन में। तो अगर ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो ये आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा, और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। नाइट टाइम में बस आपको अपने स्किन पर इसने अप्लाई करना है, और इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड फेशियल मॉइस्चराइजर, वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड शिया बटर दे रखा है इसमें, और ये ना आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके इस्तेमाल से आपके जितने भी डेड सेल्स हैं आपके स्किन में, जितने भी पिगमेंटेशंस आ चुके हैं, उन सभी को हटा करके आपके स्किन हाइड्रेटिंग बनाएगा। हाइड्रेटिंग बनाने के साथ साथ आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्ट को लॉक करेगा, और जितने भी पिगमेंटेशंस हैं उनको हटाएगा, डार्क पैचेस को हटाएगा, स्पॉट्स को हटाएगा,
और आपके स्किन को फ्रेश और हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये थी मेरी आज की स्किन केयर। अगर आप लोगों में से कोई भी अभी तक रेजिश्योर का ग्लाइकोलिक एसिड किट अभी तक किसी ने इस्तेमाल किया है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को कैसा रिजल्ट मिला है। नहीं इस्तेमाल की हो अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपके स्किन पर कुछ इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो आप एक बार ज़रूर से जा करके ट्राई करना। रेजिश्योर क्या है ये, मोस्टली मैं बहुत अच्छे से रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर 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 से ट्राई करना। अभी विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में आपके स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। समर में भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि ये ऑयल फ्री है, ऑयल बेस्ड बिल्कुल नहीं है, तो आपके स्किन पर बिल्कुल ही चिपचिपापन नहीं करेगा और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो एक लाइक एक शेयर एक कॉमेंट ज़रूर से करना। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी, आपको मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।